हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हुई हूँ लोकल मार्केट शॉपिंग हॉल। मैंने लोकल जो कॉस्मेटिक की दुकानें होती हैं, मैंने वहाँ से कुछ सामान परचेज करा था, वो सामान मैंने ये रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अब वो सामान जो मैंने अपने लिए ख़रीदा था, क्योंकि जो ये हेयर बैंड्स वगैरह, क्लिप्स वगैरह, क्लेचर वगैरह जो सामान होता है, ये कभी ऑनलाइन सस्ता नहीं मिलता है। आप ये लोकल मार्केट से जाके लेंगे तो सबसे ज़्यादा वहीं आपको ये सस्ता मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो में मैंने क्या क्या सामान ख़रीदा था। फर्स्ट में है, मैंने कुछ हेयर बैंड्स अपने लिए परचेज करे थे। मैं कोशिश करूँगी, मैं आपको सारे के सारों के प्राइस आपको बताती जाऊँगी। जिनके मुझे नहीं याद होंगे तो मैं आपको उनके प्राइस नहीं बता पाऊँगी। ये देखिए, ये ब्लैक में हेयर बैंड है, नॉर्मल हेयर बैंड है। ये मैंने 10 रुपये का लिया था, और ये हेयर बैंड मैंने 20 रुपीज़ का लिया था। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा और लगाने पर भी ये बहुत बढ़िया है। और ये वाइट सिंपल हेयर बैंड है, ये 10 रुपये का है। और ये है, इसमें हल्का सा डिज़ाइन है और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन लगा था मुझे। ये भी 10 रुपये का है, और ये वाइट में है, ये भी 10 रुपये का है। काफ़ी बढ़िया लगते हैं हेयर बैंड लगाने में, जब आप हेयर वॉश करके आए हों तो हेयर बैंड्स काफ़ी बढ़िया लगते हैं हेयर्स में। और ये एक और है, ये भी 10 रुपये का है, और ये ब्लैक में है, ये भी 10 रुपीज़ का है। नेक्स्ट है, ये मैंने नेल्स के लिए लिया हुआ था, इसका प्राइस था 40 रुपीज़। और ये मैंने फेशियल के लिए ब्रश लिया हुआ था, फेस पैक लगाने के लिए, और इसका प्राइस था 50 रुपीज़। मैंने कुछ रबर्स लिए हुए थे, इसका एक और पीस है ब्लैक कलर का। ये सभी 10 रुपीज़ के थे, तो ये मैंने सारे कलर के ले लिए थे जो कलर थे उनके पास। नेक्स्ट है, मैंने ये बिंदी ली हुई थी, ये फाइन टच की बिंदी है, इसमें सारे कलर्स की होते हैं। इसका प्राइस था 15 रुपीज़। नेक्स्ट मैंने लिया था ये स्टार वाला छोटू सा नेकलेस, ये उलझे हुए हैं, ये दो हैं, मैं आपको दिखा दूँ इन्हें। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया लगी मुझे ये भी, काफ़ी क्यूट से हैं और बहुत ही बढ़िया इनका वर्क किया हुआ है। और इनका प्राइस था 50 रुपीज़ एक का। ये मैंने दो लिए हुए थे। आपने वीडियोस में देखा होगा, मेरी जॉनसन बेबी की क्रीम ख़त्म हो गई थी तो मैं एक वो भी लेके आई थी, और इसका प्राइस था 50 रुपीज़। और मैंने एक और नेकलेस लिया हुआ था छोटू सा, उसके साथ इयर रिंग भी मिले थे। मैं आपको इसे ओपन करके दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये हल्ट बना हुआ है और इसके साथ ये इयर रिंग है, और इसका प्राइस था 80 रुपीज़। नेक्स्ट मैंने लिया था ब्रेसलेट, ये देखिए, काफ़ी बढ़िया मुझे ये लगा। इसका प्राइस थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा, बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था। इसका प्राइस था 200, और उन्होंने ये 200 में दिया बिकॉज वो बोले कि 250 के उन्होंने बेचे हुए हैं, तो मुझे 200 में ही मिला था। नेक्स्ट मैंने कुछ रबर लिए थे, ये रहे,
ये वीडियो में ऑरेंज दिख रहा है बट ये रेड है। मैंने चार रबर लिए थे और इनका प्राइस था 5 या 10 रुपीज, मुझे याद नहीं आ रहा कितना था। और मैंने ये वाली क्लिप्स ली हुई थी, दो मैं यूज कर रही हूँ फ़िलहाल। ये मैंने 20 का पत्ता लिया था। कुछ मैंने क्लचर लिए थे, मैंने ये वाले क्लचर लिए थे, इसके मैंने चारों शेड ले लिए थे जो उनके पास थे। ये 10 रुपये का एक था तो मैंने चारों शेड ले लिए थे इसके। और मैंने कुछ ये वाले क्लचर लिए, इनका प्राइस था 30 रुपीज़ और इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो 5 मैंने ये लिए थे, 5 ही कलर थे इसके, मैंने 5 कलर ले लिए थे। नेक्स्ट मैंने कुछ रबर लिए थे, इन रबर्स के भी मैंने सारे कलर ले लिए थे जो उनके पास थे। ये देखिए, सभी के मैंने 2-2 पीस लिए थे। ब्लैक वाला मैं अभी यूज कर रही हूँ तो ब्लैक का भी मेरे पास यहाँ पर एक ही है और सारे मेरे पास 2-2 हैं। ये 10 रुपये के 4 रबर मुझे पड़ रहे थे, 10 के 4, तो उस हिसाब से मैंने ये लिए थे। नेक्स्ट मैंने 2 सिंदूर लिए थे, ये ब्लू हेवन के सिंदूर हैं, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी लगती है मुझे इनकी, तो मैं सिंदूर में यही यूज करती हूँ या फिर मैं लोटस का यूज करती हूँ। और मैंने बिंदी ली हुई थी, ये स्टोन वाली है। और इस सिंदूर का मैं आपको प्राइस बताना भूल गई, इसका प्राइस था 40 रुपीज़, दोनों का 40 रुपीज़ पर, और बिंदी का प्राइस था इसका 20 रुपीज़। और नेक्स्ट फिर से बिंदी है, ये सारे कलर की बिंदी है, इसका प्राइस था 15 रुपीज़। नेक्स्ट और बिंदी है, इसका प्राइस भी था 15 रुपीज़। और मैंने एक कीप भी ली थी वहाँ से, ये है 10 रुपीज़। और मैंने 2 लिपस्टिक ली हुई थी न्यूट शेड की, दोनों मार्स की हैं, लोकल ब्रांड है। इसका प्राइस था 70 रुपीज़ और इसका प्राइस था 50 रुपीज़। मुझे दोनों ही शेड काफ़ी बढ़िया लगे, न्यूट शेड है तो यूनिक शेड है एकदम। मैंने जो अभी अप्लाई करी हुई है ये नायका की लिपस्टिक है और इसके साथ इसका शेड मैच कर रहा है, पता नहीं है नहीं है मैच। और इसका शेड कुछ इस टाइप का है। तो ये दोनों भी लिपस्टिक मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। और मैंने लिए थे कुछ छोटे से क्लचर, अभी मैं एक यूज कर रही थी तो मेरे पास भी 3 ही आए। ये देखिए बहुत ही छोटे से हैं, ये देखिए। इसके साथ का वो रेड कलर का था जो मैंने यूज करा है अभी, इनका प्राइस था 5 रुपीज़। तो मैंने 4 क्लचर लिए थे। और कुछ और क्लचर हैं, ये इनका प्राइस था 10 रुपीज़। ये देखिए एक इधर भी है, इसका एक पीस है ये साथ का, मुझे अभी याद आया। कुछ सामान मैंने यूज में ले लिया है तो मैं अभी इधर नहीं रख पाई, उसे मैं भूल गई। इसका भी एक और पीस लिया था मैंने वाइट कलर का, और 2-2 पीस लिए थे मैंने इनके। तो इन सब का प्राइस है 10-10 रुपीज़। कुछ मैंने कॉम्स ली हुई थी वो मैंने उधर रख दी हैं। और ये रहे 2 ईयर रिंग, ये 10-10 रुपये के थे। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, इनके स्टोन काफ़ी पक्के हैं। और ईयर रिंग मैंने पहने हुए हैं, इनका प्राइस भी 10 रुपीज़ था। और ये थे, इनका प्राइस भी 10 रुपीज़ था। लास्ट नॉट द लिस्ट, ये है ईयर रिंग,
ये झुमके मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे, इनकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। इनका प्राइस 200 था और उन्होंने मुझे ये 150 में दिए थे। मैं आपको इन्हें पहन के दिखाती, काफ़ी बढ़िया लगे मुझे झुमके, कुर्ती वगैरह में काफ़ी बढ़िया लगेंगी। और इनका साइज़ बहुत ही मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि झुमकों में ये होता है कोई साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, कोई बहुत छोटे लगने लगते हैं, तो ये साइज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। डेट्स इट गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, टेक केयर।